बातें करती थी। फिर उसको समझ में आ गया कि घर से बाहर की दुनिया बिल्कुल अलग होती है। यहां सर्वाइव करने के लिए किसी ना किसी का सहारा लेना ही पड़ता है। देखिए सर, नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता कि सबको ऐसा करना चाहिए, लेकिन उसने ऐसा किया और वो बहुत कम वक्त में उस जगह पहुंच गई जहां लड़की उस जगह का सिर्फ सोच ही सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं यार। आज प्लीज मुझसे इस तरह बात मत करें, मैं आपको बताना भूल गई, I'm sorry। सारा बात भूलने की नहीं है, बात उस बात की है जिसकी वजह से तुम बताना भूल गई, या शायद तुमने जानबूझ के नहीं बताया मुझे। नहीं वाज, मैं जानबूझ के ऐसा क्यों करूंगी? तो फिर तो बात अहमियत की हो गई, यानी कि तुमने मुझे इतना अनइम्पोर्टेंट समझ लिया सारा। मैं स्पेशली तुम्हें लेने आया था। और अब देखो, तुम्हें खुद कॉल करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन कॉल भी मैंने की, यानी एक कर्टेसी होती है यार। नहीं वाज, ऐसे नहीं बोले, आप मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बस मुझसे हो गया वाज, आइंदा नहीं होगा, मुझे माफ कर दें प्लीज। सॉरी करने से कुछ नहीं होता यार, सॉरी से क्या होता है, तुम्हारी वजह से मुझे अम्मी से भी झूठ बोलना पड़ा। मैंने उन्हें कहा कि मैं तुम्हारे घर से वापस आ गया, हालांकि मुझसे नाराज भी हो रही थी कि मुझे मामू और मोमानी से मिल के आना चाहिए था। आज मैं माफी नहीं मांगू तो मैं और क्या करूं, मैं सॉरी के अलावा कर भी क्या सकती हूँ? तुम सॉरी के अलावा बस ये करो कि आइंदा तुमने अब किसी पार्टी, ऑफिस की ये डिनर वगैरह फंक्शंस पे नहीं जाना और किसी से फालतू मिलना नहीं है, बस। हाँ वहां जैसे आप कहेंगे वैसे ही होगा, प्रॉमिस, मैं आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी। अम्मी को भी ये नहीं पसंद और अब मैं भी तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा। अच्छा प्लीज वहाज, अपना मूड ठीक करें और मुझे माफ कर दे, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा, मैं आपसे वादा करती हूँ। ठीक है, मैं कल फोन करूंगा। वहाज बेटा क्या कर रहे हो यहाँ पे इतनी रात को, चलो आराम करो चल के।